अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं वापस से उमैर भाई की शॉप पर आया हूँ। इस बार जैसे कि उमैर भाई रमज़ान डील्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, खास अलग इन्होंने खास डील्स बनाई हैं अभी फ़िलहाल। और जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सबो वन के तीनों मॉडल्स यहाँ पे मौजूद हैं, फैट भी है, एक्स भी है, एस भी है। और एक्सबो वन के जैसे आपने शॉर्ट में भी देखा है कि कंट्रोलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एलिट कंट्रोलर्स। PXN V9 की आप क्वांटिटी दे सकते हो, PS4 की क्वांटिटी दे सकते हो, एक्सबो 360 की क्वांटिटी दे सकते हो। और जैसे कि आपने शॉर्ट में भी देखा है के एडिशन वाले यहाँ पे एक्सबो 360 मौजूद हैं। तो इन सब की प्राइसेस वगैरह जो डील्स वगैरह रमज़ान डील उमैर भाई ने बनाई हैं, तो इन सब की हम प्राइसेस वगैरह उमैर भाई से पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जैद, आप कैसे हो? ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? अल्लाह पाक का बहुत आसान है। जी, सबसे पहले तो मैं सबको जो है मुबारकबाद दूंगा रमज़ान की, क्योंकि बाबरकत महीना है। तो हमारी कोशिश होती है कि इस महीने में जितना हो सके कम से कम प्राइस और अच्छी से अच्छी चीज़ आपको हम देते रहे यहाँ पर, ठीक है ना? अच्छा, तो उमैर भाई सबसे पहले आप अपनी होम डिलीवरी सर्विस का बताएं। जी बिल्कुल, देखें होम डिलीवरी की हम बात करते हैं तो कराची में स्पेशली रमज़ान के लिए तो देखें काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, रोज़े के अंदर होते हैं तो बोलते हैं हम नहीं आ सकते, तो मेरे भाई पॉसिबल है कि आप डिलीवर कर दोगे? तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हम आपको डिलीवर कर देंगे कराची में। आप किसी भी जगह पे मुझसे मंगवाओगे, कैश ऑन डिलीवरी भी है, आप चाहो तो पेमेंट मुझे ट्रांसफ़र कर दो, फिर आपको मैं राइडर के थ्रू भिजवा दूंगा चीज़, ठीक है? ये कराची वालों के लिए स्पेशली है। सेकेंड, आउट ऑफ सिटी की हम बात करते हैं तो उससे देखें हर दफ़ा मैंने कहा है कि ट्रस्ट की बात होती है सारी, आप ट्रस्ट करोगे तो मुझसे चीज़ ले पाओगे। मैं यहाँ पर क्लियरली एक प्लेटफॉर्म लेके बैठा हुआ, अपनी क्लियरली शॉप लेके बैठा हुआ, ठीक है ना? तो आप मुझसे जो है पेमेंट देकर आप मुझे, ठीक है, ऑनलाइन फिर मैं आपको यहाँ से TCS लेपेड के थ्रू भिजवा दूँगा, ठीक है ना? तो वही बात मैं दोबारा से रिपीट करूँ कि ट्रस्ट की बात सारी होती है। देखिए मैं इंशाल्लाह आपको जो है चीज़ एज अ प्रॉपरली क्लियरली उसको सेफली पहुँचाऊँगा आपके पास, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, और ओके चीज़ दूँगा अच्छे प्राइस में। अच्छा, तो उमैर भाई अभी आप, क्योंकि जैसे मैंने अपनी सेकेंड लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अभी पूरी वीडियो में नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह शो नहीं कर सकता, बस एक स्पेसिफिक टाइम पर कुछ सेकंड के लिए मैं शो करूँगा, तो उमैर भाई एक बार आप अपना एड्रेस वगैरह बता दें। जी बिल्कुल, देखें मेरी शॉप जो है ना रेमबो सेंटर में, जैसे आप आते हैं मेन रेमबो सेंटर सदर कराची, ठीक है? रेमबो सेंटर में आपने फर्स्ट फ्लोर पे आना है, ठीक है ना? दो सीढ़ियां हैं, एक लेफ्ट साइड की भी है, एक फ्रंट की भी, सेंटर की भी है। तो सेंटर की सीढ़ी आप जैसे ऊपर चढ़ते हो तो पहली मेरी लेफ्ट हैंड की पहली शॉप है गेम्स वर्ल्ड के नाम से, ठीक है ना? साइन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ गेम पॉइंट और मेरे काउंटर पर लिखा हुआ गेम्स वर्ल्ड, ये मेरी एक शॉप है F100 के नाम शॉप नंबर है, ठीक है? और सेकंड जो मेरी शॉप है वो दूसरी साइड जैसे ये वाली शॉप मेरी F48, तो ये दूसरी वाली सीढ़ियों से आती है इसका रास्ता, ठीक है ना? मतलब आप फ्रेंड से भी आ सकते हो, अगर फ्रेंड से आओगे तो फिर आपने राइट हैंड की तरफ आने सीधा सीधा तो मेरी शॉप कॉर्नर की है, ठीक है ना? F48 और F100 दो शॉप है मेरी गेम्स वर्ल्ड के नाम से, ठीक है ना? आपका मेरा नंबर जो है वो 03221-22384-00, यानी कि 0322-2338-400, ये मेरा नंबर। और अवेश भाई और आमिर भाई का नंबर भी आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जी बिल्कुल, तो देखें सबसे पहले तो मैं आप लोग से जो है ये बात कहना चाहूँगा कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है मुझसे कि उमैर भाई जो है हमें रिप्लाई नहीं करते, रिस्पांस नहीं देते और व्हाट्सएप पे जवाब वगैरह नहीं देते, तो भाई मेरे पास भी आती रही है कंप्लेंट। हाँ, ये जैद को भी अक्सर लोग बोलते हैं उमैर भाई हमें जो है रिप्लाई वगैरह नहीं करते हैं। तो भाई देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा काम है और बहुत मुझे रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों से, तो मैं शॉप पर सारा दिन जो है ना आप लोगों के साथ बिजी रहता हूँ, ठीक है ना? मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके मैं आप लोगों को बेनिफिट दूँ, आप लोगों को कोऑपरेट दूँ, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करूँ। तो यही वजहबात होती है कि मैं शॉप पर जो है अपनी बिजी इसी वजह से रहता हूँ कि मैं आप लोगों से, आप देखो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग को अच्छे से अच्छे गाइड करूँ मैं, आप मेरी शॉप पर आओ तो मैं आपको उसको फिर एक चीज़ को क्लियरली दिखाऊँ, उसके बारे में आपको बताऊँ मैं, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ फिर मेरा मोबाइल कहीं और होता है, मैं कहीं और होता हूँ, तो इसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। अमूमन रात को मैं जाता हूँ घर पर तो फिर मैं सबसे माजरत करता हूँ, सबको वन बाय वन रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि देखो अक्सर लोगों को शिकायत होती है, तो मैं माजरत इसलिए कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं आपको रिप्लाई लेट कर रहा हूँ या आपके अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा तो मैं आप लोगों में ही बिजी होता हूँ, तो आप ये कि आप मुझे अगर डायरेक्टली कॉल कर रहे हो या अगर मैं आपको रिप्लाई लेट कर रहा हूँ तो इसके लिए बुरा मत मानना भाई प्लीज़। तो अब हम आप वारंटी की डिटेल्स बता दें अपनी। जी वारंटी हमारी जो है हर कंसोल की एक हफ्ते की रहती है, ठीक है ना? आप मुझसे कोई भी कंसोल लेते हो तो मैं आपको 1 वीक की वारंटी दूंगा उसकी चेकिंग, ठीक है? 10 दिन 15 दिन वाली मैं आपसे बात नहीं करूंगा। देखो मैं 1 वीक आपको सिर्फ इसलिए दूंगा कि आप मुतमैन हो जाओ, ठीक है ना? मैं अपनी चीज़ क्लियरली आपको दूंगा, मैं श्योरिटी से दूंगा आपको, अगर खुदा नखास्ता कोई इशू आता है, जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि मैं क्लियर कहाँ पर हूँ कि मैं वहाँ पर क्लियर हूँ कि अगर आप गलत साबित होता हूँ, मेरी चीज़ गलत साबित होती है तो आप मुझे मेरी चीज़ वापस दे के मुझसे पैसे ले लें। ये बात मैं इसलिए क्लियरली कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी चीज़ से मुतमैन हूँ, तो मैं आपको वारंटी दे रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर छोटा मोटा फोल्ड होगा मैं आपको हैंड टू हैंड वो करके दूंगा, ओके? नहीं होता मैं आपको दूसरा पीस दूंगा, रिफंड दूसरा पीस नहीं होता मेरे पास, मैं आपको पैसे रिफंड करूँगा, ये आपसे मेरा ज़बान है, ठीक है ना? आपको पूरा रिफंड, हाँ बिल्कुल मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। अगर आप हफ्ता यूज़ करते हो उसको और उसमें कोई फॉल्ट आता है, आप मुझे मेरी चीज़ देकर और आप मुझसे मुतमैन नहीं होते
तो आप मुझसे पैसे लेने के हकदार हो और मैं पूरा पूरा पैसे देने का हकदार हूँ आपको, ठीक है ना। मैं क्लियर हूँ, इस वजह से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मैं हर चीज़ को क्लियरली बेचता हूँ। अगर मैं अगर थोड़े से प्राइस ज़्यादा देता हूँ अपनी चीज़ के, तो मेरी चीज़ मेरे को असल में हम लोग को बाहर से माल आता है, हम लोग को एवरेज में पड़ता है माल, कभी सस्ता कभी महंगा। तो हम लोग की कोशिश होती है कि हम कम से कम प्राइस में दें, पर बाज़ अवकात होता क्या है कि होता हो ये कि मार्केट की निस्बत शायद थोड़ा मेरा प्राइस ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी लोग शायद मुझे बोलते हैं कि मेरे भी आपका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। तो भाई मेरा प्राइस ज़्यादा है तो मैं एज अ क्लियर हूँ अपनी मशीन से, मैं क्लियर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मेरे को तंग नहीं करेगी, यानी कि आपको तंग नहीं करेगी, क्योंकि आपको तंग नहीं करेगी तो मैं तंग नहीं हूँ आपसे। तो इंशाल्लाह मैं इन चीज़ की आपको श्योरिटी दूंगा। चलिए सही है, अब हम प्राइसेस पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम एक्सबॉक्स 360 पे बाद पे आएंगे, क्योंकि वो एडिशन वाले उस पे कंसोल रखे हुए हैं, पहले हम यहाँ पर आते हैं एक्सबॉक्स 1 की, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है आजकल। जी बिल्कुल। तो एक्सबॉक्स 1 फैट का सबसे पहले बताएं, इसकी कोई डील वगैरह आपने बताई? देखिए डील तो मतलब एक तरह से डील बनी जाएगी, क्योंकि रमजान है तो जाहिर सी बात है डील तो बननी है इसकी। तो एक्सबॉक्स 1 मेरे पास फैट मॉडल भी मौजूद है, ठीक है, इसमें मेरे पास काफी माशाल्लाह स्टॉक अवेलेबल है 500 GB 1 TB में। फैट मॉडल में दे रहा हूँ 27,000 का, 500 GB, ठीक है, कंप्लीट सामान के साथ, विथ स्क्रीन आपको दूंगा मैं लगाकर, और सिलिकॉन कवर का आपको दूंगा एक कंट्रोल के साथ, ठीक है ना। ये एक रमज़ान की वजह से हम लोग ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, प्राइस थोड़ा कम कर रहे हैं। कोशिश आगे रहेगी कि मैं आगे भी मज़ीद और प्राइस कम करूँ अगर मुझे कम प्राइस में स्टॉक मिलता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो मैं जाहिर सी बातें पर प्राइस अपने बढ़ाऊंगा। तो ये बात मैं हमेशा इसलिए करता हूँ कि देखो प्राइस अप डाउन होता है, हम लोग का नया स्टॉक आता है तो प्राइस में फ़र्क आ जाता है। तो 27,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ एक्सबॉक्स 1 कंप्लीट सामान के साथ विद सिलिकॉन कवर स्क्रीन, 1 वीक की वारंटी, 500 GB। इसी में अगर हम जाते हैं 1 TB पर, तो 1 TB आपको फैट मॉडल मिलेगा 32,000 का, ठीक है ना, सेम सामान रहेगा 1 वीक की वारंटी के साथ। अच्छा, गेम्स वगैरह का ऐसा है कि देखिए गेम पास मेरे पास नहीं होते, क्योंकि बात ऐसी है कि गेम पास में यार चक्कर ऐसा है कि यहाँ पर ऑफिशियल का भी चक्कर है, क्रैक का भी चक्कर होता है, तो इस वजह से यार मैं गेम पास पे काम नहीं करता हूँ। हाँ, ये कि अगर किसी को जैसे आपको चाहिए हो तो मैं देखें, अमूमन लोग आजकल फेसबुक से लोग परचेस कर लेते हैं, मिल जाते हैं क्रैक वाले अपना गेम पास, और ऑफिशियली भी अगर आपको चाहिए होगा तो हम लोग डायरेक्टली करवा देते हैं, ऑफिशियल महंगा पड़ता है। तो ये देखो जो आपको बेहतर लगता है, जहाँ से आपको ठीक लगे आप वहीं से गेम पास लो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नहीं होता गेम पास वगैरह से, मैं आपको मना कर रहा हूं। तो 32 का आपको एक्बो 1 फैट मिल रहा है 1 TB वाला, सही है। अब हम एस पर चले हैं, तो एस पे भी दोनों मॉडल आपके पास? जी बिल्कुल, नहीं एस में मेरे पास 500 GB, हाँ 500 GB मेरे पास अवेलेबल है, ये मैं आपको दूंगा 37,000 का आपको एक्बो 1 एस मिल रहा है 500 GB। क्या इसके साथ भी वही? इसके साथ भी कंप्लीट सामान रहेगा विद सिलिकॉन कवर स्क्रीन एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब एक्बो 1 एक्स पर हम? जी बिल्कुल, एक्सबॉक्स 1 एक्स भी मेरे पास मौजूद है माशाल्लाह से। एक्स जो है वो PS4 प्रो से, क्योंकि लास्ट जेन का सबसे पावरफुल कंसोल एक्सबॉक्स 1 एक्स ही रहा है, हर लिहाज से रेजोल्यूशन में पावरफुल मशीन है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और जैसे कि PS4 आपको बस इनहेंस ग्राफिक्स देता है 4K तक, सही है, पर ये ट्रू 4K ही आपको प्रोवाइड करता है एक्सबॉक्स 1 एक्स। तो इसका भी मेरे पास माशाल्लाह 2-3 पीस आए हुए हैं, एक मेरे पास आया हुआ बिल्कुल लाइक डब्बा में पैक है वो, ठीक है ना, डब्बे के साथ है। वैसे तो अभी मेरे पास जो पड़ा हुआ ना, ये पड़ा हुआ है विदाउट बॉक्स वाला, ठीक है, सही है। तो ये भी बिल्कुल कंडीशन लाइक इसकी न्यू जैसी है, ठीक है ना, ब्रांड न्यू कंडीशन। हाँ, तो ये मैं दे रहा हूँ 58,000 का। 58,000 का आप ये? हाँ बिल्कुल, 58,000 का ये दे दूंगा मैं आपको कंप्लीट सामान के साथ। इसके अंदर मेरे ख्याल 1 TB, ये इसमें 1 TB, हाँ इसमें 1 TB आती है। और इसी का जो मेरे पास बॉक्स वाला है वो 62 का, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल कंडीशन लाइक न्यू है, बस उसका बॉक्स वगैरह है, तो इसलिए वो थोड़ा सा प्राइस की वजह से, वो बॉक्स की वजह से ऊपर हो गया प्राइस। 62 का है, वो भी स्क्रीन आपको लगा के दूंगा। देखिए स्क्रीन मैंने किसी पे भी नहीं लगाई हुई यहाँ पर, ठीक है, ऐसी बस छोड़ी, हाँ क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरे पास स्क्रीन की माशाल्लाह काफी वैरायटी होती है। स्क्रीन कॉम्प्लीमेंट्री में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से पसंद करो और आप लगवा लो। तो ये 62 का बॉक्स वाला और 58 का विदाउट बॉक्स वाला, ठीक है। तो अब हम दूसरे PS4 पर हम जाएं। जी PS4 का आप बताएं फैट वाले का। हाँ, फैट में हम बात करते हैं और स्लिम की बात करते हैं नॉन जेल ब्रेक की। तो नॉन जेल ब्रेक मेरे पास आपको जो मिलेगा वो 35,000 से लेके 45,000-48,000 तक का मिल जाएगा आपको मेरे पास नॉन जेल ब्रेक। स्लिम 1 TB वाला इंक्लूड, स्लिम फैट 500 GB 1 TB, यानी कि वो अलग अलग सबका प्राइस इसलिए होगा ना। देखिए आप जैसे 35 का आपको मिल रहा है 500 GB फैट, फिर 40 का मिल रहा है आपको 1 TB फैट, फिर आपको 45 का मिल रहा है स्लिम, फिर आपको मिल रहा है स्लिम 48-50 का 1 TB में। तो इस तरीके से प्राइस में फर्क आता है। ये आप रेंज क्यों बता रहे हैं डायरेक्टली, पैसे प्राइस क्यों नहीं आप बता रहे? देखिए असल में होता ही है कि ना, अभी मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरे पास ये पड़ा हुआ है ऑफिशियल वाला 9.03 ये लिखा हुआ है इस बॉक्स पर मैंने, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ 500 GB 45 का। अब मेरे को नहीं पता यार ये आज मेरा बिक जाए कल बिक जाए, ठीक है ना। अब मेरे पास जो दूसरा पीस आएगा हो सकता है वो 44 का है, हो सकता है वो 47 का। तो मैं आपको एवरेज प्राइस देता हूँ कि देखिए जब आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैं आपको प्राइस मेंशन करता हूँ, मैं फिर उसकी पिक्स भी आपको सेंड करता हूँ। और मैंने हमेशा से कहा है कि आप विजिट करोगे ना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें चीज़ आपके सामने रहेगी जो भी है वो आपके सामने। तो मैं क्लियरली आपको एक अच्छी से अच्छी उसकी डील
पैकेज बना के आपको जो प्राइस में गुंजाइश होगी मैं आपको करके दूंगा। और जेल ब्रेक का बताएं? जेल ब्रेक आपको मेरे पास मिलेगा 45 से लेके 60 तक। मैं हमेशा देखो एवरेज क्यों देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टॉक को मिला के आपको फैट आपको मिलता है 45 का, फिर इसी में हम 1 TB जाते तो 52-51 का, ठीक है, फिर हम जाते हैं स्लिम मॉडल पे तो वो 52-53 का 500 GB, फिर हम 1 TB जाते तो 58-60 का 1 TB स्लिम। तो इस तरीके से मुख्तलिफ मेरे पास काफ़ी कंसोल्स हैं। अब मैं आपको एक एक का अगर प्राइस बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं हमेशा जो है इसका जो प्राइस देता हूँ एवरेज वाला वो इसी देता हूँ कि आपको मैं एक शॉर्ट में एक प्राइस का मेंशन कर रहा हूँ कि मेरे पास इस प्राइस की एवरेज में मेरे पास मशीनें मौजूद हैं। आप विजिट करो, आप सारे मॉडल्स देखो, आपको जो अच्छा लगेगा फिर उसमें हम डील करके इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा पैकेज बना के दूंगा। अब जैसे हम PS4 प्रो पर जाएं तो आप उसका बताएं। हाँ, प्रो अगर हम प्रो जैसे प्रो भी मेरे पास अवेलेबल है जेल ब्रेक में, मेरे पास 7116 मॉडल कंप्लीट सामान के साथ है, 75,000 का है, ठीक है, उसमें भी आपको स्क्रीन कॉम्प्लीमेंट्री है और सिलिकॉन कवर। अगर अब देखें इस दफ़ा जो रमज़ान है ना, तो इसमें सिलिकॉन कवर जो है ना वो इंक्लूड है हर मशीन में जी। जो भी आपको मैं पैकेज दूंगा, जो भी डील दूंगा, उन सब के अंदर सिलिकॉन कवर होगा। जिस मशीन में एक कंट्रोल होगा उसके साथ एक सिलिकॉन कवर होगा, जिस मशीन में दो कंट्रोलर होंगे तो उसके साथ दो सिलिकॉन कवर भी ऐड होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्किन के साथ रहेगा, ठीक है। तो प्रो मेरे पास 75 का आपको मिल जाएगा, कंप्लीट सामान जेन्युइन सील जेल ब्रेक और ओरिजिनल बॉक्स के साथ। नॉन जेल ब्रेक क्या बताएं? नॉन जेल ब्रेक अराउंड 63-65 का था जो इसका रेट चल रहा है मार्केट का। तो यहाँ पर अब हम जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर यूज एलीट कंट्रोलर मौजूद है वो 1K। तो क्या क्या प्राइसेस इनकी, क्या प्राइस? देखें ये एलीट कंट्रोलर ये बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, एक्सबॉक्स 1K, एक्सबॉक्स 1X के, एस मॉडल के, सबके कंट्रोलर है, ठीक है ना। तो अगर हम कंपनी प्राइस की बात करते हैं तो ये 40-50 हज़ार रुपये के कंट्रोलर है, ठीक है ना, ब्रांड न्यू। तो हाँ ब्रांड न्यू, पर मेरे पास ये यूज़ में आए हुए, ठीक है ना। तो मेरे पास ये मेरा जो लास्ट स्टॉक आया था उसमें मुझे माशाल्लाह से ये एलीट कंट्रोल काफ़ी निकले हैं, PS4 के भी एडिशन वाले कंट्रोल, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इन सब का जो मैंने प्राइस रखा है वो 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये रखा। आप देख सकते हैं ये, आपको मैं दिखाता हूँ करीब से ज़रा, ये देखें ये एलीट कंट्रोलर है, ठीक है, ये वाला है मेरे पास, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा ये भी आया हुआ मेरे पास, ये ओरिजिनल कंट्रोलर एडिशन वाला है, ये सात हज़ार रुपये का, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल न्यू कंट्रोलर है, ये एडिशन वाला है, ये और 5,000-12,000 वो 12,000 रुपये, ये भी 12,000 रुपये का है, ठीक है ना। वोल्वरिन इसका भी काफ़ी लोग डिमांड करते हैं, ठीक है ना, ये 12,000 रुपये का है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कंडीशन लाइट नहीं तुरंत बनाया हुआ। अच्छा ये RGB लाइट के साथ, RGB की लाइट, हाँ RGB लाइट के साथ पिछली किसी वीडियो में, वो PS4 का, वो PS4 का, तो ये भी 12,000 रुपये का, पर ये वायर वाला है, ठीक है, वायर वाला, क्योंकि इसकी क्वालिटी में थोड़ा और इजाफा है। और इसका बताएं? हाँ ये स्टेरिंग भी आया हुआ मेरे पास, ये 7,500 रुपये का है, ये F1 के लिए, एक्सबॉक्स 360 का है, ये सेंसर वाला स्टेरिंग व्हील है, यानी कि आप इसको ये आपका दिया हुआ है इसमें ब्रेक, ये आपका दिया हुआ एक्सीलेटर, मतलब ये एक्सीलेटर आपने दबाया गाड़ी आप चलाना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो बहुत प्यारी चीज़ है, ये भी सेंसर वाला वायरलेस वाला, ये यानी कि वायरलेस प्लस सेंसर है, तो ये 7,500 का, 7,500 का दे दूंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास लास्ट टाइम आया था 12,500 का भी मैंने बेचा था, अभी मेरे पास एक और पीस आया तो ये 7,500 रुपये का दे रहा हूँ, ठीक है ना जी, बिल्कुल। इसके अलावा ये मेरे पास ओरिजिनल बैटरियाँ भी आई हुई हैं, ये भी मेरे पास माल में आई है, काफ़ी X1 की, हाँ हम लोग कॉपी जो है ना बैटरी सेल आउट करते थे पहले 1200-1500 रुपये की, तो मेरे पास ये ओरिजिनल बैटरियाँ आई हुई है अभी, ये 1500-1500 रुपये की, एक्सबॉक्स 1 के कंट्रोलर की बैटरियाँ होती है, ठीक है ना ये। अच्छा जैसे कि उमेर भाई ने कहा है कि राइजू कंट्रोलर्स भी यहाँ पे एडिशन वाले जो होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है PS4 के, तो ये क्या प्राइस है इनकी? ये भी 12,500 रुपये, 12,500 की आपको दिखाता हूँ, अच्छी क्वांटिटी माशाल्लाह, काफ़ी क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है, ये 40-40, 50-50 हज़ार रुपये के कंट्रोलर है, ठीक है ना, ये भी उतने की है, और ये भी आप 12,000 का, हाँ 12,000 का दे रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हो, ये देखें, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये मेरे पास मिंट कंडीशन में कंट्रोलर, बड़े प्यारे कंट्रोलर है, एक्स्ट्रा बटन्स वगैरह होते हैं इसमें, कॉम्बो कंट्रोलर कहलाते हैं ये एडिशन वाले, ठीक है ना। तो ये जो असल होते हैं ना गेमर्स, जो स्पेशली जो गेम को ज़्यादा लाइक करते हैं या जो समझते हैं गेमों को, देखो भाई हम लोग तो इतना ज़्यादा चीज़ को नॉलेज रखते नहीं, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली कंट्रोल सेल आउट करते हैं। ये मेरे पास स्टॉक में आया है तो स्टॉक मेरे पास प्राइस भी अच्छा है, तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ये प्राइस मेंशन किया और ये दिखा भी दे रहा हूँ आपको कि मेरे पास ये स्टॉक भी अवेलेबल है ये वाला, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर X360 एडिशन वाले उमेर भाई ने खास बनवाए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो वाइट वाला तो ओरिजिनल है, बाकी आप ग्रे ब्लू और गोल्डन देख सकते हो, एडिशन वाले ये खुद इन्होंने बनवाए हैं।
और हेलो वाला तो ओरिजिनल, ये एडिशन वाला हेलो 4 का, तो इनकी हम डील वगैरह उमर भाई से पूछते हैं। तो उमर भाई इनकी डील तो बताएं आप। जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ 360 की। तो ये स्पेशली मैंने इस दफ़ा सोचा कि यार कुछ नया लाऊं रमज़ान में, तो मेरा माइंड ने फिर सोचा कि यार ये मैं 360 के ऊपर काम करता हूँ, तो ये स्पेशली मैंने बनवाया, ठीक है ना। ये एडिशन कोई मतलब बने बनाए कंपनी से मुझे नहीं मिले। हाँ, इसमें जैसे कि हेलो एडिशन ये ओरिजिनल है, वाइट वाला ये ओरिजिनल है, ठीक है ना। तो ये मैंने मतलब डायरेक्ट जो मेरे को लास्ट स्टॉक आया था उसमें मेरे को ओरिजिनल निकले, ठीक है ना। इसकी भी माशाल्लाह क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये एक दो पैसा है। अच्छा, ये जो गोल्डन एडिशन है ये ब्लू एडिशन, ब्लू के साथ वाइट कंट्रास्ट दिया मैंने, ठीक है ना। और सिल्वर एडिशन है, सिल्वर का मैंने ब्लैक के साथ कंट्रास्ट दिया है। तो ये मैंने स्पेशली बनवाया, ये ओरिजिनल जैसे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये दो कंट्रोल इसके जेन्युइन है, अच्छा कंट्रोल जेन्युइन है, ठीक है ना। ये बस मैंने एडिशन बनवाया ये ब्लू कलर में, ठीक है, और ये सिल्वर कलर। तो क्या क्या, हाँ, इसका मैंने इस दफ़ा जो प्राइस जो रखा है ना, असल में मेरी एक इन्वेस्ट हुई है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये जो मैंने बनवाया इस पर मैंने थोड़ी सी इन्वेस्ट करी अपनी, और प्लस एक दो चीज़ें मैंने ऐड करके मैंने इसका एक पैकेज बनाया। नॉर्मली तो मैं 20,500 रुपये का एक्सबॉक्स देता हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो इस दफ़ा जो मैंने ये एडिशन वाले स्पेशली इसका मैंने एक पैकेज दिया है 22,500 रुपये का, ठीक है, 22,500 रुपये का। अब इसमें मैं आपको रिपीट करता हूँ क्या क्या दे रहा हूँ। कंसोल हो गया, ठीक है, इसके साथ दो जैसे कंट्रोल हमेशा दे रहते हैं, एडिशन एक बन गया, ठीक है। प्लस इसके अंदर 320 GB हार्ड ड्राइव, ठीक है, दो कंट्रोल, 320 GB हार्ड ड्राइव, तकरीबन 60-70 गेम आपको मैं दे रहा हूँ इंस्टॉल करके। अच्छा, हम गेम की बात करते हैं, छोटे बड़े की अक्सर लोग जिक्र करते हैं, तो 40 गेम भी आते हैं, 45 गेम भी आते हैं, 50 गेम भी आते हैं, वो आपकी डिमांड पे कि आपके आपकी डिमांड, हाँ, आप अपनी डिमांड से दिलवाओगे तो जाहिर सी बात है वो गेम की क्वांटिटी कम है। देखो मेरी तरफ से तो फर्स्ट टाइम में गेम फ्री है, वो चाहे आप मुझसे 50 दिलवाओ, 40 दिलवाओ या 70 दिलवाओ, तो आप 70 दिलवा लो ना भाई, मैं तो आपको फ्री दे रहा हूँ। बात ये नहीं कि छोटे गेम हो या बड़े गेम हो, बात ये कि 70 गेम आपको मिल रहे हैं। अब जब दिल भर जाता है आपका, आप 70 गेम में से उसमें से 25-30 गेम डिलीट करवा दो, फिर आप नए गेम दिलवा लो, 50-60-70 रुपये में गेम दिल जाता है इजीली, तो ये आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो 320 GB मैंने हार्ड ड्राइव इजाफा करी है, ठीक है। गेम्स की क्वांटिटी मैंने आपको जैसे बताया 65-70 के करीब रहेगी, प्लस दो सिलिकॉन कवर भी दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले आपको मैंने मेंशन कर दिया था कि मेरी हर कंसोल के साथ सिलिकॉन कवर भी इजाफा फ्री कर रहा हूँ रमज़ान की वजह से, तो दो सिलिकॉन कवर भी आपको साथ दूंगा। अच्छा, स्किन तो आपको पता ही, स्किन कॉम्प्लीमेंट्री है, पर इसमें अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, इसमें भी मैं आपको लगा के दूँगा, जरूरी नहीं, वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक एडिशन बन चुका है, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आगे जाकर जैसे थोड़े से वो स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं इस बॉडी पे, क्योंकि अभी बिल्कुल बिल्कुल न्यू कंडीशन में ही है, सही ना, क्योंकि ये मैंने जो बनवाया स्पेशली इसीलिए बनाया कि इसकी कंडीशन बिल्कुल न्यू हो जाए और प्लस एडिशन बन जाए। और ये बनवाने के लिए सील खोलनी पड़ी है, तो आप ये नहीं है कि सील पैक नहीं, नहीं सील तो वैसे भी खुलती है, सील इसलिए खुलती है क्योंकि जेटेक चिप लगाई जाती है इसके अंदर, जिससे आप इसमें गेम कॉपी कर सकते हो, लोकल सीडी चला सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी गारंटी मेरी जो होगी, मशीन नॉट रिपेयर्ड है, अगर रिपेयर्ड है मशीन मेरी, पैसे आपके, कोई मसला आता है मैं आपको ओके करके दूंगा, जिससे मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया था वारंटी का अपना। अच्छा, आपने इसके साथ ये एक कंट्रोल रखा, इसका भी आप बता, हाँ इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये मशीन तो जे एडिशन हेलो 4 है, पर इसका मेरे पास अभी कंट्रोल नहीं आया था, तो ये मैंने इसमें एडिशन कंट्रोल ही डाला, ठीक है ना। ये भी ओरिजिनल कंट्रोल, ये भी एडिशन ही, अच्छा ये बनवाया हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल कंट्रोलर है, तो ये मैंने इसके साथ रखा हुआ है। आपको इसके साथ भी दो कंट्रोल ही दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, तो दोनों जेन्युइन दूंगा। हो सकता है कलर चेंज हो, अगर मुझे इसी के कलर के ओरिजिनल मिल गए तो मैं ओरिजिनल आपको इसके कलर के दूंगा, अगर नहीं मिले तो फिर इस तरह के कोई आपको मैं दो एडिशन वाले कंट्रोलर दूंगा साथ इसके, ठीक है। अच्छा, इसका भी प्राइस सेम रखा है मैंने, सेम प्राइस है 22,000 रुपये। अच्छा, तो उमर भाई जैसे कि अभी आपने ये बनाया, अगर किसी के पास पहले से एक्सबॉक्स 360 अवेलेबल है और उससे अपने या किसी और कंसोल पे PS4 भी है, PS3 भी है, Xbox 1 है, इन पे अगर कलर करवाना है ऐसे, तो आप बिल्कुल मैं करके दूंगा। अगर आप चाहें, अगर एडिशन बनवाना चाहते हैं जिस तरह का, तो मैं आपको बना के दूंगा। देखें बात ये है कि एक्सबॉक्स तो ऑलरेडी खुल जाते हैं जी, तो जो मशीन खुल जाती है उसको अगर हम बनवाते तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहती है। मसला ये है कि PS3 या PS4 करने को मैं करके दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना, पर मसला ये क्योंकि वो होती है सील्ड मशीन, तो सील्ड खुल जाएगी। और एक्सबॉक्स 1 का भी यही है, सील्ड खुल जाएगी, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप करवा सकते हो मुझसे, अगर आप चाहो तो एडिशन भी बनवा सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे स्किन भी लग जाती तो एडिशन वैसे ही बन जाए, एडिशन वैसे ही बन जाए, पर ये ओरिजिनल चीज़ है तो उसका एक मजा है। ये अगर आपको ये चाहिए तो ये भी ये करके दे, बिल्कुल दे देंगे। अच्छा माशाल्लाह, इसका भी काफ़ी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, ये मैंने एक एक पीस डिस्प्ले पे रखा हुआ है, मैंने काफ़ी स्टॉक इसका माशाल्लाह बहुत स्टॉक है मेरे पास। अच्छा, मैं नॉर्मल एक्सबॉक्स की बात करता हूँ, नॉर्मल एक्सबॉक्स जो है मैं चला रहा था वैसे 20,500 रुपये का, इस दफ़ा जो मैंने इसका प्राइस किया है 20,000 रुपये का, ठीक है, 20,000, हाँ 20,000 रुपये का मैंने प्राइस किया है। इसमें भी मैं आपको 320 GB हार्ड ड्राइव दूंगा, दो कंट्रोलर के साथ ओरिजिनल, प्लस दो सिलिकॉन कवर ऐड किए, और स्किन साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, 1 वीक की वारंटी, और गेम की क्वांटिटी वही मैंने आपको बता दी है 70 के करीब गेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं PS3 पे, तो PS3 की भी जो लास्ट मैंने डील लगाई थी वो 22,000 रुपये की थी जी, इस दफ़ा मैंने किया है स्लिम मॉडल 320 GB का 21,000।
21,000 का 320 GB, पहले मैं दे रहा था 22,000 रुपये का, ठीक है ना, अभी मैं दे रहा हूँ 21,000 रुपये का। अच्छा, बात सारी आती है प्राइस की, तो मैंने आपको जैसे पहले मेंशन कर दिया कि मैं अपनी प्राइस से थोड़े ज़्यादा इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं अपनी चीज़ से क्लियरली मुतमैन हूँ। बात ये ना कि यार मुझे नहीं पता मार्केट में कौन क्या नहीं कर रहा, मैं क्लियर, मैं अपनी चीज़ से मुतमैन हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपने प्राइस आपको अपनी चीज़ के दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दिया कि मैं चीज़ का पैसे देने का हकदार हूँ क्योंकि मैं क्लियर हूँ। तो बात ऐसी है कि 21,000 रुपये का जो मैं आपको PS3 का पैकेज दे रहा हूँ वो रमज़ान डील है, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मली प्राइस 22,000, दो न्यू कंट्रोलर दूंगा, ठीक है, और दो सिलिकॉन कवर भी साथ दूंगा 21,000 में, और गेम वगैरह आपको मैं इंस्टॉल करके दूंगा, प्लस स्क्रीन कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। इसी में हम जाते हैं 500 GB अल्ट्रा स्लिम पे, तो वो 25,000 रुपये का दूंगा, 26 का रेट था, इस दफ़ा 25 किया है, प्लस 30-35 गेम इंस्टॉल्ड और दो सिलिकॉन कवर स्क्रीन के साथ 25,000 रुपये का अल्ट्रा स्लिम मॉडल। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्केड स्टिक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं अलग अलग, पहले इसका आप बताएं। हाँ बिल्कुल, ये मेरे पास ये भी स्टॉक में आई हुई, ठीक है, इसका भी अगर हम प्राइस की बात करते हो काफ़ी महंगी है, ये मैं दे रहा हूँ 7,500 रुपये की, 7,500, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है और ब्रांडेड कंपनी की, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पैक पे सही है, 7,500 रुपये की। ये PC PS2 दोनों पे वर्क करेगी, ठीक है, और ये ब्रांड न्यू है। और इसके अलावा हम इस पर आए तो ये भी बिल्कुल, ये मेरे पास एक आया था ओरिजिनल होरी की, 40-45,000 रुपये की स्टिक है, ठीक है ना। तो उसकी बॉडी डैमेज थी, मैंने बॉडी इसकी चेंज करवाई है, ये सर्किट आप देख सकते हो, ये जो सर्किट लगा हुआ है ये होरी कंपनी का, ठीक है ना, और ये जो बटन्स मैंने लगवाए ओरिजिनल IC वाले लगवाए, तो ये सालों साल चलेगा, ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसका जो प्राइस मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 18,000 रुपये, 18,000 रुपये का दे रहा हूँ। चलता है, अच्छा, ये चलेगा आपका PS3 PS4 और PC तीनों पे चलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको जिसे बताया होरी कंपनी का ओरिजिनल है, ठीक है ना, पेटी में यहाँ की लोकल बनी हुई है, पेटी में मतलब लोकल से मतलब वो हल्की क्वालिटी की नहीं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की, बटन्स वगैरह बिल्कुल इसके परफेक्ट है, सालों साल निकालेगा, ये वायर से चलता है, ठीक है ना। ये 18,000 रुपये के 17,000 रुपये आपको दे दूंगा मैं ये वाला स्टिक, और ये जो बैक साइड पे पड़ा हुआ है इसके मेरे पास, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये 12,000-12,500 रुपये का हम लोग चला रहे थे, इस दफ़ा इसका मैंने प्राइस दिया 10,000 रुपये का। आप मुझसे PC के लिए बनवा लो, PS3 के लिए बनवा लो, PS2 के लिए बनवा लो, PS4 के लिए बनवा लो, Xbox One के लिए बनवा लो, या फिर आप मुझसे 360 के लिए बनवा लो, तो आप किसी में भी बनवाओगे मैं आपको ये बना के दूंगा 10,000 रुपये में। इसमें भी Xbox One में बन जाएगा, ये भी बिल्कुल Xbox One में बन जाएगा, सेम प्राइस रहेगी। अगर मुझे सर्किट जैसे मिल जाता है इसका होरी कंपनी का, तो मैं आपको तकरीबन 17,000 में ये भी Xbox One दे दूंगा। PXN V9 का बताएं। हाँ, PXN V9 की तो काफ़ी डिमांड थी, मैंने उसका भी प्राइस अभी कम करा है रमजान की वजह से, 25,000 रुपये का प्राइस है। वैसे तो हम लोग ने लास्ट 27 का भी बेचा है, 28 का भी बेचा है, अभी मेरा जो नया स्टॉक आया माशाल्लाह से मुझे कम प्राइस में मिला था, उसका मैंने 25,000 रुपये प्राइस कर दिया है, और इंशाल्लाह मजीद गुंजाइश भी करता रहूँगा, और मजीद आपको मैं अच्छे से अच्छे प्राइस भी देता रहूँगा, जितना कोशिश होगी कि आपको मैं कम से कम प्राइस में यहाँ पर चीज़ें देता रहूँगा। सही है, और यहाँ पर यूज़ में भी आपके पास मौजूद? हाँ बिल्कुल, मेरे पास यूज़ में भी आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी मॉडल्स हैं मेरे पास, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ट्रस्ट मास्टर का मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैं दे रहा हूँ 10,000 रुपये, 10,000 ठीक है। PC PS3, इसके आगे पड़ा हुआ है लॉजिटेक का GT Force, ये मैं दे रहा हूँ 16,000 रुपये का, PC PS3, और इसके आगे पड़ा हुआ ये होरी कंपनी का, ये भी ये Xbox One के लिए, ठीक है ना, PC और Xbox One के लिए, ये भी 15,000 रुपये का मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और वो कोने वाला, जिस कोने वाला है G25, इसकी काफ़ी टाइम से डिमांड थी मेरे पास, ये एक पीस आया बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, ठीक है ना, ये इसका शिफ्टर ओरिजिनल है, इसके पैडल वगैरह है, इसका स्टेयरिंग है, इसका एडोप्टर है, ये मैं दूंगा फाइनल 35,000 रुपये, 35,000 रुपये का दे दूंगा फाइनल। इसी का मेरे पास ये पड़ा हुआ G29 नीचे वाला, ठीक है ना, हाँ ये G29 पड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल मिंट कंडीशन में आया है मेरे पास, एज अ ब्रांड न्यू है, पर मैं यूज़ के पैसे में दूंगा 55,000 रुपये का शिफ्टर के साथ, क्योंकि इस वक्त जो स्टेयरिंग है खाली ये 55,000-57,000 रुपये का, इसका शिफ्टर 12-14,000 रुपये का है, ठीक है ना। ये वाला मैं दे रहा हूँ 16,500 रुपये, 16,500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो ये PSVR जो है, इसकी आप प्राइस बताएं। बिल्कुल, ये VR मेरे पास पड़ा हुआ है, ये 55,000 रुपये का दूंगा, माशाल्लाह से जैद भी मुझसे परचेस करके गया था मेरे पास, माशाल्लाह से इसका भी तकरीबन 4-5 पीस आए, ठीक है ना, और ये सेकंड जनरेशन के हैं, न्यू वाले जो मॉडल के हैं स्लिम प्रो के, और कंडीशन भी बिल्कुल ब्रांड न्यू इसकी, ठीक है ना, कंडीशन भी ब्रांड न्यू है, कंप्लीट सामान के साथ है, डब्बा सब कुछ है, एक पीस तो मुझसे जैद ही ले गया है। अच्छा, PXN का V9 भी मुझसे जैद लेके गया है, अनबॉक्सिंग वगैरह मैंने, हाँ बिल्कुल आपने देखी होगी, बिल्कुल गेम प्ले भी किया, आप देखना ये स्पेशली, देखो जैद ने परचेस भी इसलिए किया क्योंकि जैद ने बोला मेरे भाई मैं एक चीज़ को ट्राई भी करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक चीज़ अच्छी मिले, तो मैं इसलिए इसका एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है, अच्छी है, बेहतर रहेगी लोगों के इस्तेमाल के लिए या नहीं। तो जैद ने आप लोगों को माशाल्लाह अनबॉक्सिंग करके दिखाया, इसका रिव्यू भी आपको दिया है, तो ये चीज़ें अच्छी है, मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि बंदा एक्स्ट्रा चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है, एक्स्ट्रा जो है इसमें टाइम पास कर सकता है। V9 को मैं पर्सनली मैं कहूँगा कि मैंने अच्छा खासा इंजॉय किया इसे, और जैसे कि आप, मैं कहूँगा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करें, और लाइक करा करें, देखिए लाइक से क्या होता है कि शॉपकीपर को भी एक तरह से हौसला मिलता है कि हाँ भाई लोग लाइक, लोगों ने मुझे लाइक किया, बिल्कुल। देखिए मैं आपसे, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जैद के लिए स्पेशली, आप
देखिए असल में हम लोग वीडियो देखते हैं माशाल्लाह से, काफ़ी लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को और लाइक भी लोग करते हैं काफ़ी लोग। तो यार जो लोग लाइक नहीं करते मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि यार मेरी एक वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। देखिए हम लोग एक वीडियो देख रहे थे 10-15 मिनट 20 मिनट की हम वीडियो देख रहे थे, हमें सिर्फ एक सेकेंड लगेगा, खाली हमने बस वो वहाँ पर क्लिक करना होता है वो सब्सक्राइब को। तो आप एक सब्सक्राइब भी कर लें, एक लाइक कर दें और इससे देखो आप लोगों को फायदा है। ये जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं ना स्पेशली आप लोगों के लिए बनवाते हैं ताकि आप लोगों को हम लोग अच्छी अच्छी से अच्छी यहाँ पर जो है डिश देता रहे, अच्छी से अच्छी चीज़ें को आपको मैं इन्फॉर्मेशन देते रहे हम लोग और जितना हो सके आप लोगों को कोऑपरेट दें। आप खुद देखेंगे जब वीडियोस वगैरह नहीं होती थी तब तो आप बस नॉर्मली बस कमजोर लेकर जाया करते थे। बिल्कुल, देखें हम लोग इतना गाइड भी नहीं करते थे लोगों को क्योंकि हम लोग के पास एक क्लाइंट आता था, हम लोग उसको मशीन देते थे, चेक कराते थे, कुछ समझाते थे और वो चले जाता था। देखिए वीडियो से आप लोगों को भी और हमें भी माशाल्लाह बहुत बेनिफिट्स मिलता है, तो प्लीज़ शेयर लाजमी करें और अपना लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जैसे कि इस बार उमेर भाई ने बहुत अच्छी डील्स यहाँ पे आप लोगों के लिए दिए हैं और एडिशन वाले कंसोल्स लेकर आए हैं एक्सबॉक्स 360 जो कराची में मैंने नहीं देखा कि अभी तक फिलहाल किसी ने शुरू किया, उमेर भाई ने ही सबसे पहले ये शुरू किया है एडिशन वाले कंसोल का। रमज़ान डील में ये आपको मिल रहे हैं अच्छी प्राइसेस में, तो रिकमेंडेड है कि आप उमेर भाई से ये कंसोल्स वगैरह परचेज़ करें। और जैसे कि अगर आपके पास भी कोई कंसोल्स वगैरह ऐसे हैं एक्सबॉक्स वगैरह तो आप वो भी ऐसे एडिशन में बनवा सकते हैं उमेर भाई के पास आकर। सही, और भी मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी जो है स्टॉक आया इस दफ़ा, काफ़ी और भी वैरायटीज है। देखो मैं अगर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा ना अभी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि वैसे भी मीट में मेरी वीडियो आती है अवेश भाई की शॉप की वहाँ पर बनती है, तो इंशाल्लाह जो चीज़ें रह गई हैं मज़ीद इंशाल्लाह आपकी उनकी भी मैं आपको डिटेल्स वगैरह प्राइस वगैरह और फ्यूचर वगैरह मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपका मैं उसको आपको बताता हूँ। अच्छा उमेर भाई अभी जो दूसरी जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह तो उसमें आप रमज़ान डील थोड़ी चेंज करेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी कोशिश होगी कि अगर मुझे प्राइस में अगर फ़र्क मिलेगा, जो मुझे वो नया स्टॉक मिलता है अगर मुझे प्राइस में फ़र्क मिलेगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं मज़ीद और प्राइस कम करूँ, ठीक है ना। हो सकता है प्राइस ऊपर भी हो जाए, तो ये मैं आपसे कमिटमेंट नहीं करूँगा कि यार मैं लाजमी आपको प्राइस कम करके दूंगा, कोशिश होगी कि मैं आपको प्राइस कम करके दूँगा, ठीक है ना। मीट जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं प्राइस भी अपडेट कर दूँगा दोबारा। और उमेर भाई का नंबर वगैरह, अवेश भाई का, आमिर भाई का नंबर वगैरह, सबको आप सबका नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी सब एड्रेस वगैरह नंबर वगैरह मिल जाएगा आपको, आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप शॉप पे विजिट करें। सही, तो अभी फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मेरे सोशल मीडिया लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत वीडियो अपनी अपलोड करता रहता हूँ फेसबुक वगैरह पर, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।